अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ कच्चे कीमे के कबाब नए स्टाइल से, तो ज़रूर मेरी रेसिपी देखिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो ट्राई भी करिएगा। अब चलते हैं रेसिपी की जानी। ये मैंने कीमा ले लिया है, ये आप स्कूल गोइंग बच्चों को भी दे सकते हैं लंच के तौर पे। इसके है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह हो गया हमारा कीमा, चिकन का कीमा। आप गाय का कीमा भी ले सकते हैं, बकरे का भी ले सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी हो। उसी जग में हमने चार ब्रेड स्लाइस डाल दिए। ये हम ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे और इसी में हम दो अदद अंडे भी डाल देंगे ताकि हमारे ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह पिस जाएं। ये ब्रेड स्लाइस हमारे सारे मैश हो गए। अब इसमें हम दूसरी चीज़ें डालते हैं। अच्छा, ये मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। अगर आप स्कूल के गोइंग बच्चों के लिए बनाएंगे तो फिर हरी मिर्चें नहीं इस्तेमाल करें। मेरे बड़े बच्चे हैं इसलिए वो लाइक करते हैं स्पाइसी। एक प्याज मैं रफली काट के डाल दूंगी। ये धनिया भी डाल रही हूँ मैं। इसे भी पीस लेंगे। अभी हम दूसरे मसाले डाल लें, ड्राई मसाले। दो चम्मच टेबल स्पून तकरीबन हम नमक डालेंगे। कीमा हमारा ज़्यादा है इसलिए, ठीक है। और तीन टेबल स्पून हम लाल मिर्चों के डालेंगे। डेढ़ टेबल स्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। ये ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं डालनी तो ओके। और गरम मसाला, और गरम मसाला एक टेबल स्पून के बराबर हम डालेंगे। तकरीबन ये चार चम्मच बनेंगे, ठीक है। और एक टीस्पून हम हल्दी का डाल देंगे। धनिया ज़ीरा और सौंफ अभी मेरे पास पिसे हुए नहीं हैं, इसलिए मैं बाद में बनाने से पहले वो भी डाल दूँगी, ऐड कर दूँगी। अब इसे हम पीस लेते हैं। देखिए सारा मसाला पीस गया। अब इसे हम निकाल लेते हैं। चलिए, मैंने सारा मसाला निकाल लिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अगर ये कम कीमा होता तो एक ही बार में सारी चीज़ें डाल के मैं पीस लेती कीमे के साथ, लेकिन ये ज़्यादा था इसलिए मुझे कीमा पहले करना पड़ा। ये देखें। अच्छा, थोड़ा सा हम ऑयल भी डालेंगे, मे बी 3-4 चम्मच इसमें ऑयल भी जाएगा, टेबल स्पून सही रहेगा। वो को हम थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सारा मसाले यकजान हो जाए, फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। ये हमारा सारा मिक्स हो गया मसाला कबाबों का।
इसे ढक के हम रख देंगे। मैंने सारे कबाब बना लिए। बहुत ही मज़े के कबाब हैं और इसको बढ़िया मैं फ्राई भी कर रही हूँ। और इसको खा के बताएंगे कि कैसे बने। हमारे कच्चे की हमारी मज़ेदार चिकन कच्चे कीमे की टिक्कियाँ तैयार हैं। ये मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये आप नान के साथ भी ले सकते हैं, चपाती के साथ भी ले सकते हैं, बिरयानी के साथ भी खा सकते हैं और ऐसे चटनी के साथ भी ले सकते हैं। शाम के स्नैक के लिए इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का भी। अल्लाह हाफिज़।